हेलो फ्रेंड्स दिस इज लेक्चर नंबर फोर ऑन सेट आई वेलकम यू ऑल टू माय लेक्चर सो लेट्स स्टार्ट सो बिफोर स्टार्टिंग और सेट्स लेक्चर नंबर फोर देर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस तो जो लोग जेके एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो ग्रेजुएट लेवल तौर पे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो पोस्ट है उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सेक्शन से परेशान है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आपके जो दस मार्क्स है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो दस मार्क्स मैं आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करवाऊंगा इस मंथ में ठीक है तो जो भी उसके मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो उसके एमसीक्यू है मैं एक एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं अपनी youtube चैनल पे 1000 एमसीक्यू सीरीज चलेगी तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे जो भी पूछ सकता है एग्जामिनर हर किसी चैप्टर में तो मैं वो डिस्कस करूंगा अपनी youtube चैनल में ठीक है तो मेरी youtube चैनल आप लिख लीजिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ठीक है आप सपोर्ट कीजिए मुझे भी सपोर्ट कीजिए ठीक है तो आप भी बहुत सारा प्यार दीजिए और बने रहे हमारे लेक्चर के साथ जुड़े रहे ठीक है और जो भी आपको लेक्चर्स के बारे में लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए तो मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है आप सर्च करेंगे e -R -M -U -M -A -J -W -D. तो फ्रेंड्स आप सभी को से मैं गुजारिश करता हूं कि आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाए वहां पे मैं थाउजेंड एमसी सीरीज चलाऊंगा पूरा मैथमेटिक्स जो भी होगा उसको हम एम सीरीज से कवर करेंगे ठीक है और जो भी आपके कॉन्सेप्ट ठीक है तो आपको वहां पर सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूंगा और साथ 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 हम स्टैटिस्टिक्स को भी कवर करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए ठीक है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है मैं आपके लिए थाउजेंड एमसी लेकर आया हूं तो बस आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज एक एक वीडियो दो दो वीडियो में चढ़ाऊंगा उस पर अपलोड करूंगा तो आप एंजॉय कीजिए वीडियो तो आप अपनी मैथमेटिक्स जो आपकी प्रिपरेशन है वो आप कंटिन्यू कीजिए ठीक है आपको डिसप्वाइंट uh, नहीं होना है बिल्कुल भी आसान है लेक्चर वन से और दूसरा चीज ये है कि जो लोग डायरेक्ट डायरेक्ट मेरा लेक्चर लेक्चर नंबर नंबर देख रहे हैं, है, वो आप, वो आप, है. है, आप बीच में नहीं उठा पाओगे जो नॉन मेडिकल से हट के जो बाकी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो बीच में देखेंगे लेक्चर तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सभी

एंड देन उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ सेट भी देखा था कि सेट के कितने कितने काइंड्स है बीट नल सेट बी इट फाइनाइट सेट बीट इनफाइनाइट सेट बीट सिंगल टर्न सेट उसके बाद हमने सबसेट्स भी देखा था और सबसेट्स के बारे में हमने दो सबसेट्स देखे थे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसे भी हमने पढ़ा था बेटा और उसके बाद हमने इंटरवल्स पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर थर्ड में इंटरवल्स के बारे में चार इंटरवल्स थे हमारे पास और इसी तरह हमारे पास पावर सेट आता था इसी तरह हमारे पास यूनियन ऑफ द टू सेट्स इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स एंड कॉम्पलीमेंट ऑफ द टू सेट्स एंड सिमिट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस या है तो एक्चुअली हमारे पास अब दो फॉर्मूलाज बचती है दो तीन फॉर्मूलाज है तो उनको हमें राइट करने की जरूरत है सबसे पहली फॉर्मूला और सबसे बड़ा चीज ये जो टॉपिक हमारे पास होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न तो एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके ट्रिक्स मैं समझाऊंगा जब मैं क्वेश्चन सीरीज एमसीक्यू आपको पढ़ाऊंगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि इन क्वेश्चंस की ट्रिक क्या है तो सबसे पहले फॉर्मुला क्या है कार्डिनेलिटी मैंने बताया एन रिप्रेजेंट करता है कार्डेनैलिटी अगर मैं कार्डेनैलिटी ए यूनियन बी की लू तो ये होता है बराबर कार्डेनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डेनैलिटी ऑफ बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले आप अब मुझे कोई बोलेगा सर ये कैसे आ तो प्रूफ दिखाना था फिर भी मैं डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन तो भी दे लेता हूं ताकि आपको ना हो तो बेटा suppose, my, suppose, हम डायग्राम थोड़ा बड़ी बना लेते हैं ताकि इसको अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर पाए तो बेटा ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट ये मैंने बोला है इसको वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं ठीक है जो लोग नए हैं लेक्चर में तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो पहले से लेक्चर देखे तो ये यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल तो हमारे पास दो सेट्स से, है मिसाल के तौर तो पर यह मेरे पास सेट ए है और ये सेट बी है तो अब क्या है मान लेते हैं मैं आपको बोल रहा हूं कि ए यूनियन बी में कितने टोटल एलिमेंट्स है तो वो तो आप ऐसे बोल, बोलोगे ना ये हमारा ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करता था पिछला लेक्चर दी देखा लेकिन अब मैं निकालूंगा कैसे अगर मैं बोलूंगा ये बराबर है है कार्डिनलिटी ऑफ ए ए तो A में तो में सारा आता लेट कलर ए में तो ये सारा आएगा ठीक है ये तो सारा ए है तो अगर मैं बी बोलू बी को हम ब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे ये हमारा बी है ठीक है ये सारा बी है तो कार्डिनलिटी ऑफ बी भी आ गया कार्डिनलिटी ऑफ ए आपको नहीं लगता इसमें ये वाला रीजन जो है ये वाला ये दो बार आ गया ए की वजह से भी आ गया बी की वजह से आ गया तो इसको एक बार हमें कम करना है ना लेकिन इस रीजन को कि, किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं ये ए और बी का इंटरसेक्शन है इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो इसलिए हमने इसको एक बार माइनस कर दिया कार्डिनियलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई होप कि सबको समझ आया होगा ठीक है एक बार और मैं बता देता हूं अगर हमारे पास ये सेट ए है ये सेट बी है ये सारा ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है ये जो सारा यहां तक है ठीक है बेटा तो ये सारा ए रिप्रेजेंट करता है फिर ये जो ब्लू तक आता है यहां तक ठीक है ब्लू से मैंने दिखाया है यहां से यहां तक ये ये सारा बी रिप्रेजेंट करता है तो मैंने जब एन ऑफ ए लिखा प्लस एन ऑफ बी अब आपको नहीं लगता है कि ये दो बार आ गया एक रेड की वजह से भी आ गया एक ब्लू की वजह से भी आ गया तो एक बार तो डिटेक्ट करना पड़ेगा लेकिन इसका नाम क्या है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी ए और बी में जो कॉमन है तो इसीलिए हमने इसको एक बार माइनस कर दिया सबसे पहली फॉर्मूला ये आपको याद होनी चाहिए दूसरी फॉर्मूला पे आते हैं जो आपको याद होनी चाहिए देखो आसान है बेटा कार्डिनलिटी ऑफ ए सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी अब तीन सेट्स है, तो इसकी कार्डिनेलिटी किसके बराबर होती है कार्डिनेलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनेलिटी ऑफ बी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद याद रहेंगे तो माइनस कार्डिनेलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी फिर प्लस कार्डिनेलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ठीक है तो इसको भी आप ऐसे समझ लीजिए कि देखिए हमारे पास ये कुछ ऐसे डायग्राम है ठीक है बस हमें एक्सप्लेन नहीं करना आप आपको बस ये दिमाग में रखना है कि कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है वो मैं बस बताऊंगा ठीक है क्योंकि फिर इसके साथ ये हमारा टॉपिक है ही ना हमें बस ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे करने हैं ठीक है थीके? वो मैं आपको हंड्रेड एमसीक्यू है उसमें आपको समझा दूंगा ठीक है उसका लेक्चर भी मैं कल अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर तो मान लेते हैं अगर ये ए है ये बी है और ये सी है देखिए बेटा कार्डिनेलिटी ऑफ ए मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक कलर से लेट सपोज ये मेरा वो कलर होगा ये सारा ए है ठीक है

फिर प्लस क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी सी देखिए ये कौन सा रीजन होता है यहाँ पे थोड़ा जंपलिंग हो गई ये 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 वाला देखो ये देखो बेटा ये ए है ये बी है ये सी है ए बी सी में अगर आप गौर से अच्छे से देखोगे ये वाला जो रीजन है ये तीनों में कॉमन है ठीक है तो इसको हम ऐड करते हैं ठीक है ये कैसे आ गया मुझे वो समझ, हमें वो समझने की जरूरत नहीं है बस हमें फॉर्मूला याद रखनी है यहाँ यहाँ पे ठीक है तो इस इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं तो कुछ क्वेश्चंस यहां पर भी हम एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे लेट अस सपोज हम एग्जांपल नंबर देख लेते कैसे क्वेश्चन आएंगे बोल रहा है हमारे पास एक्स यूनियन वाई उधरी से देकर है फोर्टी कार्डिनेलिटी ऑफ एक्स जो है ये बेटा है ट्वेंटी और कार्डिनेलिटी ऑफ वाई जो है ये भी देकर है ये देकर है ट्वेंटी फोर और आपको ढूंढना क्या है कार्डेनिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको ढूंढना है तो सिंपल से आपको पता है ऑफ एक्स यूनियन वाई इसको मैं अभी वाली पहली फॉर्मला लगा सकता हूं ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई तो देखिए बेटा ये आएगा बराबर देखिए 40 तो 40 के बराबर है कार्डिनलिटी 25 प्लस ऑफ वाई इज 24 माइनस आ जाएगा कार्डेनिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इसको मैं यहां से शिफ्ट कर देता हूं तो ये बनेगा एन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आता है ये यह से शिफ्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा नाइन तो ऐसे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ठीक है थीके? आपको तीन चीजें गिवन हो सकती है इस फॉर्मूला की जैसे ये ये और ये देकर होगा कभी आपको ये निकालना होगा ठीक है तो इसी फॉर्मुला के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएगा अब हो सकता है आपको क्वेश्चंस बहुत बहुत तरह से आएंगे क्योंकि जब हम एमसी पढ़ा, पढ़ाएंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि आपको जैसे मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है कार्डिनेलिटी ऑफ ए है कार्डिनेलिटी ऑफ बी है बराबर 19, और आपको दिया है कार्डिनेलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो देकर है फाइंड नंबर वन आपको दो पार्ट्स इसके देकर है सॉरी तीन पार्ट्स कार्डिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये तो आसान है दूसरा अब कार्डिनेलिटी ऑफ ए माइनस बी सर ये कैसे निकालेंगे तो ये आपको करना है आप थोड़ा अगर जो लेक्चर्स बराबर देख रहे हैं उनके लिए आसान है थोड़ा अप्लाई करना है यहाँ पे देखिए सबसे पहला पार्ट जो है ये तो इजी है हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है कैसे निकाल सकते हैं हमें पता है ए यूनियन बी होता है बराबर ए प्लस बी माइनस

से सिक्स काटेंगे तो फाइव पाएगा तो कार्डिनेलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया फाइव अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सर अब हमें कार्डिनेलिटी ऑफ ए माइनस बी निकालनी है ये कैसे निकालेंगे देखिये इसके लिए आपको डायग्राम दिखनी है देखिए आपको डायग्राम का बहुत यूज करना है बैन डायग्राम का ये ए ए और बी बी है माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है सबसे पहले हमको ये पता होनी चाहिए मैंने पढ़ाया है ए माइनस बी इट रिप्रेजेंट एलिमेंट आर इन ए बट नॉट इन बी यानी ए में तो है मगर बी में नहीं है तो ए का कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है तो सारे ये वाले एलिमेंट्स है इसको छोड़कर है ना इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या मैं इसको लिख सकता हूं बेटा कार्डनेलिटी ऑफ ए ये ए हो गया पूरा यहां तक माइनस करेंगे ये इसको क्या हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए में से कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना पड़ेगा तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगेन हम देखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए किसके बराबर है ट्वेल्व और ये हमने भी फाइव निकाला तो इसका आंसर आएगा ट्वेल्व माइनस फाइव और वो आएगा सेवन के बराबर अब इसी तरह पार्ट नंबर थ्री कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए तो बी माइनस ए किसके बराबर आएगा अगेन मैं डायग्राम ही यूज करूंगा देखिए बेटा ये ए है ये बी है हमें बी माइनस ए बी माइनस ए क्या होता है सेट ऑफ ऑल दो एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन ए बी के सारे वो एलिमेंट्स जो बी में तो है मगर ए में नहीं है तो वो कौन से वाले एलिमेंट्स होंगे ये वाले इसको छोड़कर इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूंगा कार्डेनैलिटी ऑफ बी माइनस ये वाला ये वाला क्या होता है कार्डेनिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो इसका इसका आंसर क्या आ जाएगा कार्डनेलिटी ऑफ बी माइनस कार्डेनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b तो इसका आंसर हमें आ जाएगा कार्डिनेलिटी ऑफ बी है 19 तो इसका आंसर आ जाएगा 19 5 एंड वो आ जाएगा 14 तो अब जो इसके बाद बाकी क्वेश्चंस इसके रह जाएंगे तो वो मैं एमसीक्यू में कवर करवाऊंगा ठीक है लेकिन आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन रखूंगा ठीक है जो आप गर, गर, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे तो इफ uh, n ऑफ a इज इक्वल टू 30 n ऑफ b इज इक्वल टू 26 और N of A union B, it's equal to 50. तो आप मुझे ढूंढ कर दीजिए दूसरा पार्ट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक है और तीसरा पार्ट इसी का रख लेते हैं एन ऑफ बी माइनस ए ठीक है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दीजिए ठीक है तो जो बाकी हमारा सेट पोर्शन खत्म हो गया अब हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं लेकिन आप एमसीक्यू देखिए आपको आप अगर खाली कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एमसीक्यू नहीं देख रहे हैं

वो भी आप देखिए जो एमसी क्यू आ जाएंगे इसके तो वो मेरे ही चैनल पर आ जाएंगे उसको आप जाइए आप मेरे YouTube पे चैनल, चैनल पे जाए उसको सब्सक्राइब भी कीजिए ठीक है और जो भी आ, आपको वीडियोस के बारे में लगता है ठीक है आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए थैंक यू सो मच